ओके, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे एक फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं। तो उसी को मैं ट्राई करूंगा, आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम में जाते हैं और ये गूगल के प्रोडक्ट हैं और गूगल की तरफ से हैं, तो ये दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इसी टाइप का वेबसाइट हम लोग बनाएंगे। ये पहला होम पे है, हम चाहें तो यहाँ पर जाके लेडी डॉग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो नेक्स्ट पेज खुलेगा। लेडी डॉग में क्या है उसको देख लेते हैं। ये हम लोग का लेडी डॉग पेज है। इस टाइप का आप बना सकते हैं कुछ भी। आप खुद का एक डिजिटल आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए ये बहुत काफ़ी है और ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट से होता है गूगल के प्रोडक्ट की तरफ से। तो स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको एक ज़रूरी होना चाहिए जो कि है हम लोग का क्या मेल आईडी, जीमेल अकाउंट होना चाहिए। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे जाएंगे, टाइप करना है आपको गूगल डॉट साइट, उसके बाद आपको एंटर कर देना है। आपको लिखना पड़ेगा साइट डॉट गूगल डॉट कॉम, ये प्रोडक्ट है इसलिए। यहाँ कुछ टेम्पलेट है, आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ इवेंट्स के लिए आप यूज़ करेंगे, हेल्प सेंटर, कुछ प्रोजेक्ट है, कुछ टीम के लिए। यहाँ पे पोर्टफोलियो आप शो कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है तो मैं ब्लैंक ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग ब्लैंक से सीखेंगे, स्टार्ट से सीखेंगे, कंप्लीट बनाएंगे। चलिए मैं ब्लैंक पर क्लिक कर रहा हूँ। तो ये आ गया हम लोग का अनटाइटल्ड साइट, उसका डैशबोर्ड है यहाँ पर। यहीं से हम लोग अपना वेबसाइट जो होगा उसको डिज़ाइन करेंगे। ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है, बहुत इजी और सिंपल सा है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ पे साइट का नाम देना है आपको, यहाँ पेज का टाइटल, मतलब होम पेज में आप लोग कैसे दिखाना चाहते हैं साइट को, वेबसाइट को, उसी टाइप के यहाँ पे आप जो वेबसाइट का नाम है उसको दे सकते हैं। इधर देखिए कुछ टूल्स हैं इंसर्ट के लिए, क्या आप इंसर्ट करना चाहते हैं यहाँ पे, पिक्चर्स, वीडियोज़ या फिर कुछ टेक्स्ट। उसी तरह यहाँ पे देखिए टेक्स्ट के अंदर में आएंगे तो टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट के लिए है, इमेज के लिए पिक्चर यहाँ डाल सकते हैं, एम्बेड कुछ को हम लोग कॉम्बाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गूगल ड्राइव, आप चाहें तो आपका गूगल ड्राइव से जो भी पिक्चर्स हैं उसको डायरेक्ट यहाँ पे लिंक करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेआउट है, किस तरह का आपका वेबसाइट जो है उसको कैसे लेआउट करेंगे, मतलब यहाँ पे दिखा गया है, देखिए यहाँ पे एक पिक्चर रहेगा, इधर टेक्स्ट है, उसी तरह यहाँ पे दो पिक्चर, नीचे नीचे टेक्स्ट रहेगा, इसी तरह यहाँ पे लेआउट है। यहाँ पे लिखा गया है कोलाप्सिबल टेक्स्ट, ये हम लोग का ड्रॉप डाउन है। जैसे हम लोग ड्रॉप डाउन कहीं पे भी फॉर्म फिल करते हैं तो हम लोग का ड्रॉप डाउन होता है, उसी तरह मैं एक एक करके दिखा दे आपको बता दूंगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जस्ट वीडियो को कंप्लीट देखना है, उसके बाद आपको पूरा एक गूगल साइट बनाने के लिए आप भी रेडी हो जाएंगे। यहाँ पे पेजेस हैं, पेजेस कैसे क्रिएट करेंगे उसको भी मैं बताऊँगा। उसके बाद थीम है, तो हम लोग पहले स्टार्ट कर लेते हैं यहीं पे। जैसे कि यहाँ पे साइट साइट का नेम मान लीजिए मैं डेमो लिख दे रहा हूँ, एक डेमो साइट, और साइट का नाम ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे, लिखे ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे। आप चाहें तो यहाँ पे भी और आर्ट कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग का एक लोगो होना चाहिए, ऑटोमेटिक शो कर रहा है तो मैं ऐड एक लोगो कर देता हूँ। ऐसे ब्रांडिंग आप चाहे तो अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करके मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे और एक प्लस पॉइंट है, मतलब आपका जो ड्राइव में रहेगा वहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट गूगल से भी सर्च करके ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं नेचर पिक्चर लेते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ से नेचर सब आ जाएंगे, वहाँ से आप कोई सा भी आपका मर्ज़ी उसको सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कट करने के लिए यहाँ पे इंसर्ट इंसर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सेव हो गया। आप चाहें तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, ये क्या है, क्यों लगाया गया है, इसीलिए यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट लगाते हैं तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर छोड़ सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट कलर टू यूज़ फॉर थीम, यहाँ पर आप कौन सा थीम यूज़ करना चाहते हैं उसको भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं इसको क्लोज़ कर दे रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, आपको दिक्कत नहीं लेना यहाँ पे क्योंकि ये गूगल ड्राइव पे काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव, यहाँ पे देखिए लोगो आ गया हम लोग का, ये साइट आ गया। और पेज का टाइटल, पेज का टाइटल क्या लिखना है, मान लीजिए मैं फैशन एक शॉप खोल रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, गर्ल्स फैशन शॉप, इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए उसके टूल्स बहुत हैं, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, जैसे वर्ड में हम लोग करते हैं एम एस वर्ड, उसी तरह यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर है छोटा सा। आप इसको टाइटल रखना चाहते हैं, हेडिंग रखना चाहते हैं, यहाँ से आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैं इसको हेडिंग करना चाहता हूँ तो हेडिंग कर दूंगा तो ऑटोमेटिक ऐसे ही आएगा। अगर इसको मैं टाइटल करना चाहता हूँ तो टाइटल करूँगा, कुछ भी आप चूज कर सकते हैं यहाँ से, सब सब हेडिंग, स्मॉल टेक्स्ट, मैं इसको टाइटल ही रहने देता हूँ, या फिर आप नॉर्मल नॉर्मल टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप फॉन्ट चूज करेंगे, आपका जो मर्जी फॉन्ट, यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट हैं, मैं इसको लॉबस्टर एक है फॉन्ट उसको मैं चूज करता हूँ। यहाँ से साइज़ आप बढ़ा घटा सकते हैं, वैसे मैं यहाँ पे छोटा, बहुत छोटा हो गया, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। फैशन, यहाँ पे देखो ये बोल्ड ऑटोमेटिक क्लिक हो गया है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। बोल्ड भी कर सकते हैं आप चाहें तो, थोड़ा गाढ़ा दिखेगा। यहाँ पे देखिए इटैलिक, इटैलिक ऑलरेडी है फिर भी आप इटैलिक चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे अंडरलाइन, तो यहाँ पे देखिए अंडरलाइन आ जाएगा, अंडरलाइन नहीं चाहिए इसको हटा देते हैं। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का कलर, मान लीजिए इसका हेडिंग्स का भी आप कलर देना चाहते हैं तो सिंपली सिलेक्शन करना है,
ये पूरा सिमिलर है वर्ड की तरफ ही है, जैसे वर्ड वर्क करता है। मान लीजिए मैं इसको रेड करना चाहता हूँ, तो छोड़ दीजिए इसे, ये रेड हो जाएगा ऑटोमेटिक। मान लीजिए मैं एक टेक्स्ट को कलर देना चाहता हूँ, एक को सिलेक्शन करूँगा, उसके बाद सिलेक्ट कलर, उसके बाद कोई सा भी एक कलर, देखिए कलर हो गया। उसके बाद मैं सबको सिलेक्शन करके मैं वाइट कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए कोई भी दिक्कत, हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिंक है, मैं इसको बताऊंगा ये लिंक क्यों यूज़ होता है, लिंक आगे देखेंगे। यहाँ पे अलाइन कर सकते हैं, देखिए लेफ्ट ये सेंटर है, राइट ये जस्टिफाई है, मतलब यहाँ पे देखिए इतना बड़ा पेज हम सिलेक्शन किए हैं, इतना बड़ा, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है लेफ्ट हो जाए, तो इसको मैं लेफ्ट कर सकता हूँ, देखिए लेफ्ट आ गया। इसको मैं राइट कर सकता हूँ, राइट आ गया। इसको फिर मैं सेंटर कर सकता हूँ, और यहाँ पे एक जस्टिफाई है, तो ये ऑटोमेटिक ऐसे ले जा रहा है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा टेक्स्ट होता है वहाँ पे जस्टिफाई करेंगे तो कुछ डिफरेंस हम लोग को दिखेगा, उसको मैं बताऊँगा आप लोगों को आगे। तो मैं इसको सेंटर रख देता हूँ अभी, और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं आप, हटा सकते हैं, ये टेक्स्ट हमें नहीं चाहिए तो हटा सकते हैं। यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, अगर हम लोग पिक्चर एक ऐड करना चाहते हैं तो पिक्चर प्लस हम लोग का इंडेंटेशन है, ये इंडेंट कराएंगे एक पिक्चर के साथ टेक्स्ट को कैसे रखना है, उसी तरह यहाँ पे भी है, बहुत सारे हैं ऑप्शन, सब एक एक करके आगे देखेंगे। ये हो गया हेडिंग हम लोग का, अब इसको हम लोग थोड़ा प्रीव्यू कर लेते हैं। मैं इसी को पब्लिश करता हूँ, ये ऑटोमेटिक सेव हो गया है, पब्लिश करता हूँ यहाँ से, तो थोड़ा सा आपको वेट करना। अच्छा वेबसाइट ये देखिए, यहाँ पे आपका एड्रेस क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दे रहा हूँ, जैसे कि हम लोग का डेमो वेबसाइट है, तो डेमो वेबसाइट लिख दूंगा, हो गया। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो रहा है, ये बोल रहा है कि ये वाला एड्रेस पहले से लिया गया है, आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करिए और अलग लीजिए बोल के। तो ठीक है, मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 लिख दे रहा हूँ, मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, ये भी लिया गया है 7 8 9 1 0 फिर से। अच्छा ये अवेलेबल है, यहाँ पे देखिए पब्लिश का ऑप्शन आ रहा है। आप अगर आपका खुद का डोमेन कहीं से ख़रीदे हैं तो यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे कस्टम डोमेन, यहाँ से मैनेज करेंगे, यहाँ पे मैनेज करेंगे और ऑटोमेटिक पब्लिश कर देंगे, तो यहाँ पे होस्ट हो जाएगा वो। यहाँ से देखिए पब्लिश, इसको पब्लिश कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका लिंक मिल गया, देखिए यहाँ पे लिंक है, कॉपी पब्लिश साइट लिंक। तो मैं यहाँ से एक बार लिंक को जनरेट कर लेता हूँ, इसको मैं लिंक को कॉपी किया और यहाँ पे और एक ब्राउज़र पे जाके मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, उसके बाद एंटर। देखिए ये हम लोग का डेमो साइट, डेमो साइट गर्ल्स फैशन शॉप, यहाँ पे कुछ नहीं है, हम फ़ोटो वोटो नहीं लगाए हैं और तो इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ पे जाएंगे और हम लोग को और भी यहाँ पे लगाना है, तो आप चाहें तो इसको भी और कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बॉर्डर है, तो इसको हम लोग नहीं ऐड किए हैं, करेंगे इसको भी, और यहाँ पे किए हैं फ़ोटो भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इमेज, मैं इमेज चूज़ कर दे रहा हूँ, तो वो हम लोग को रिडायरेक्ट ले जाएगा फिर से गूगल, मैं यहाँ लव इमेज लिख दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से कोई सा भी एक पिक्चर इसको उठा लेते हैं, उसके बाद इंसर्ट कर लेते हैं, तो ये हम लोग का हेडर के ऊपर में आ जाएगा, देखिए ये नीचे आ गया, तो इसको आप लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसको पहले हम लोग थोड़ा छोटा कर देते हैं, देखिए आ गया उसके ऊपर, फिर हम लोग इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं कितना हम लोग को रखना है, डबल क्लिक करके। उसके बाद यहाँ से देखिए इसे जूम कर भी सकते हैं, तो मुझे इतना ही चाहिए, पूरा रखना है, पूरा दिखना चाहिए, फिर ओके। तो देखिए ये हो गया हम लोग का फिट यहाँ पे। उसके बाद हम लोग हेडर यहाँ पे देखिए इसको हटा सकते हैं, ये हम लोग का नहीं चाहिए ऐसे, तो यहाँ से देखिए फिर से आप लोग अपलोड इमेज कर सकते हैं, कुछ भी एक इमेज सिलेक्ट भी कर सकते हैं वहाँ पे रखने के लिए, तो ऐसे सिलेक्ट करके सिलेक्ट कर देते हैं इसको भी, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा बैकग्राउंड पे। हेडर टाइप मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि एक बैनर है जो हम लोग एक ऐड किए हैं, टाइटल ओनली, मतलब कोई पिक्चर विक्चर नहीं रहेगा, सिंपल हम लोग जो टाइटल दिए हैं वही सिर्फ रहेगा। यहाँ पे लार्ज बैनर कवर, एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको, देखिए ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, लाइट बैनर, ये हम लोग का कवर, ये बढ़ जा रहा है टोटल कवर, तो हम लोग को ये वाला चाहिए बैनर के साथ में, ये सही रहेगा, ये हम लोग का दिख रहा है। यहाँ पे देखिए एक एंकर पॉइंट आ रहा है, देखिए इसको हम लोग चाहे तो ये वाला को इधर उधर भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे करूँगा तो ये जो हम लोग का टाइटल के साथ में एक पिक्चर लगाए हैं, इसको भी हम लोग इधर उधर मूव कर सकते हैं, वो आप लोग देख चुके हैं, ऐसे ऐसे इधर उधर करके ले सकते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग का कुछ मेनू होना चाहिए, इसको हम लोग पहले यहाँ से जाके अपडेट कर देते हैं, चाहे सिंपली आप पब्लिश भी कर सकते हैं, पब्लिश होगा, 1 2 सेकेंड लगता है यहाँ पे प्रोसेसिंग होने के लिए। उसके बाद यहाँ पे ये हम लोग का ड्राफ्ट में है, ये अभी पब्लिश हुआ है, तो इसको हम लोग सिंपली पब्लिश कर देते हैं फिर से बैक, ये हो गया। हम लोग चाहे तो इसको रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 1 2 मिनट लगता है इसको रिफ्रेश होने में, इसीलिए वहाँ पे अभी तक देखिए चेंज नहीं हुआ है, ऑटोमेटिक आ जाएगा वो। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हो गया इतना, यहाँ से थीम ऑटोमेटिक ऑप्शन आ गया क्योंकि यहाँ पे थीम का वर्क चल रहा है,
तो हम लोग चाहे तो थीम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये भी सिंपल है। यहाँ से देखिए यहाँ पे कलर का यहाँ पे कंट्रोल है, हम लोग चाहें तो ब्लैक, डिफरेंस थोड़ा यहाँ पे दिखेगा आप लोगों को ऐसे करने से। यहाँ देखिए ये सिंपल है, कुछ भी नहीं। और ये डिप्लोमेट है, ये विजन है, यहाँ पे देखिए एक लाइन हो गया। उसी तरह आप चाहे तो यहाँ पे लेवल नीचे नीचे आ गया, ऐसे इम्प्रेस ऐसे टाइप का आ गया। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे मेनू लगाएंगे तो एक बॉर्डर टाइप का हम लोग अच्छा लगेगा। इसको फिर से हम पब्लिश कर देते हैं। ये हो गया पब्लिश। उसके बाद यहाँ पे हम लोग का टेक्स्ट बॉक्स, इमेज और एम्बेड ड्राइव है। तो पहले हम लोग एक लेआउट चुन लेते हैं, यहाँ से नीचे क्या लेआउट रहेगा तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ। देखिए इसको क्लिक करने से नीचे ऑटोमेटिक तीन बॉक्स आ गया, उसके साथ एडिट के लिए ऑप्शन आ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं हम लोग का जो कंपनी के लिए, या फिर यहाँ पे फ्लावर्स क्लिक करके यहीं से मैं पिक्चर ले जा रहा हूँ। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ क्योंकि अभी फिर से काम आने वाला है। यहाँ से एक पिक्चर को उठाया और इंसर्ट किया, फिर से यहाँ से एक पिक्चर को सिलेक्ट। यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हैं खुद का पिक्चर। तो इसको हम लोग यहाँ से इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फिर से यहाँ से एक पिक्चर उठाओ और इंसर्ट करो, फिर से यहाँ से सिलेक्ट हिम। तो आप लोग जितना चाहेंगे उतना मतलब इधर नीचे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं और चाहूँगा नीचे, तो देखिए और नीचे आ गया, फिर मैं और चाहूँगा नीचे। कोई सा भी आपका जो लेआउट चाहिए, यहाँ से बहुत सारे सैम्पल के लिए 6 हैं। आप चाहें तो 6 यूज़ कर सकते हैं, एक एक यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप खुद के मुताबिक आप डिज़ाइन कर सकते हैं इसको। तो ये पिक्चर ऐड हो गया। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट चाहिए तो हम लोग का एक डेमो टेक्स्ट कहीं से भी लाते हैं। तो यहाँ से कुछ मैं टेक्स्ट ले जा रहा हूँ यहाँ इसको कॉपी। ये हम लोग का डिस्क्रिप्शन है, आपको दिख रहा होगा, ये नीचे का डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे भी देखिए ये हेडिंग है। तो मैं इसको सिंपली ऐसे ऐसे रख सकता हूँ, पिक 1 और 2 स्पेसिफाई करने के लिए मैं उसको लिख रहा हूँ। सिंपली यहाँ पे भी आप पेस्ट कर सकते हैं कुछ भी डाटा इसके रिगार्डिंग ये है। यहाँ पे आप कुछ भी बटन भी लगा सकते हैं, पिक ये 3 है। और नीचे इसको हम लोग अच्छा ये हम लोग यहाँ पे लिख दिया इसको डिस्क्रिप्शन पे। मैं इसको पहले पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे पिक 3 कर देता हूँ। तो ये पिक 3 हो गया। इसी तरह आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए यूट्यूब का वीडियो डाल सकते हैं, कैलेंडर, मैप, गूगल ड्राइव, आपका खुद का पिक्चर डाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट गूगल से जो भी पिक्चर अपलोड भी कर सकते हैं। खुद के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर हम लोग प्रोफेशनली यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम लोग को खुद खुद बनाना पड़ता है जो कॉपीराइट इशू आता है। तो यहाँ पे आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटी दिया गया है तो सोच समझ कर ही दिया गया है। तो ये हो गया, हम लोग का एक पेज बन गया है लेआउट लेके। तो इसको मैं पब्लिश करता हूँ। यहाँ पे हम लोग का कंपैरिजन कर रहा है, ये ड्राफ्ट में है अभी तक, और ये करेंटली इतना हम लोग का बन चुका है और ये पब्लिश हुआ है। तो इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ, फिर से जाके यहाँ पे हम लोग और एक बार से देख लेते हैं हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग का पेज हो गया है। यहाँ पे गर्ल्स फैशन शॉप नीचे नहीं आ रहा है लेकिन, तो कुछ समय बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, थोड़ा तो टाइम लगता है। देखिए आ गया ये हम लोग का पेज, पहला पेज, और यहाँ पे कुछ नहीं डाले हैं इसलिए इसे बॉक्स बॉक्स शो हो रहा है। तो आप चाहे तो इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। तो हम लोग आज का वीडियो में देखे इंसर्ट का एक लेआउट कैसे ऐड करना है, फिर टेक्स्ट बॉक्स कैसे यहाँ पे ऐड करेंगे, इमेज, सब कुछ एक एक करके देखेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं ये वीडियो को यहीं पे बंद कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, कोई डाउट है तो कमेंट करिए, लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।